इधर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा में ले रहे हैं विकास कार्यों का जायजा। बड़ी खबर सामने आ रही है, गवर्नमेंट कॉलेज में वर्क क्वालिटी को देखकर नाराज हुए हैं शांति धारीवाल। धारीवाल ने अधिकारियों को लगाई है फटकार। मौके पर कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आधा दर्जन विकास कार्यों का जायजा लेंगे शांति धारीवाल। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बता दें कि विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कोटा में। यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज में वर्क क्वालिटी देखकर नाराज हुए हैं शांति धारीवाल। फटकार लगाई अधिकारियों को और कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और करीब 6 विकास कार्यों का आज शांति धारीवाल जायजा लेंगे। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हिमांशु मित्तल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 6 विकास कार्यों का जायजा लेंगे और साफ तौर पर अधिकारियों को ये कह दिया गया है कि लापरवाही काम में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनीष, देखिए कल भी हम जिक्र कर रहे थे, शांति धारीवाल जब भी कोटा के दौरे पर होते हैं उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि कोटा में जो डेवलपमेंट के जमा जो तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन वो तय समय पर पूरा हो और उनका जो लाभ है वो जनता को मिल पाए। लेकिन फिलहाल आज जब उनके दौरे शहर में जो निरीक्षण कार्यों का जो निरीक्षण कर रहे हैं उसके दौरे का दूसरा दिन है, तो आज अपने दौरे की शुरुआत सुभाष लाइब्रेरी से की। गवर्नमेंट कॉलेज जैसे ही पहुंचे वहां पर वर्क क्वालिटी को लेकर के धारीवाल नाराज दिखे और जो अधिकारी हैं उनको जमकर की फटकार लगाई। स्पष्ट तौर पर कहा कि काम में किसी भी तरह की जो कोताही है वो बर्दाश्त नहीं है, अगर इस तरह की लापरवाही आगे भी जारी रही तो सजा भुगतने को तैयार रहे। स्पष्ट तौर पर चेतावनी अधिकारियों को शांति धारीवाल की। आपको बता दें कि अंतागढ़ चौराहे का निरीक्षण शांति धारीवाल ने किया है। अब एरोड्रोम सर्किल अंडरपास पर धारीवाल पहुंचे, इसके बाद सिटी पार्क ऑक्सीजोन का निरीक्षण करेंगे, घोड़ेवाला बाबा सर्किल का निरीक्षण करेंगे, इंदिरा गांधी तिराहे का निरीक्षण करेंगे, सूरज पोल गेट, चंबल रिवर फ्रंट जो खुद शांति धारीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका निरीक्षण करेंगे, फिर लालपुरा गेट और विवेकानंद चौराया। यानी ये तमाम विकास कार्यों का निरीक्षण आज प्रस्तावित है जिनका निरीक्षण करना है। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ में जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौर, न्यास के जो विशेष अधिकारी हैं आरडी मीणा, न्यास के तमाम अधिकारी, कोटा उत्तर नगर निगम के मेयर और कोटा दक्षिण के मेयर, तमाम जनप्रतिनिधि भी इस दौरान शांति धारीवाल के साथ में है। आपको बता दें कि शांति धारीवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट फिलहाल कोटा में चल रहे हैं वो तय समय पर पूरे हों, ये उनकी प्राथमिकता है, उनको तय समय पर पूरा करें अधिकारी, ये पूरा की पूरा जो लक्ष्य है वो रखें। आपको बता दें कि जब भी शांति धारीवाल कोटा के दौरे पर होते हैं अपने दिन की शुरुआत शहर के विकास कार्यों के निरीक्षण के साथ में करते हैं, कहीं पर भी कोई कमी खामी जो होती है उसको तुरंत धारीवाल अपनी पैनी नजर से उसको देखते हुए दुरुस्त करवाते हैं। अगर उसमें कहीं खामियां हैं या वर्क में कहीं ना कहीं कोई देरी चल रही है तो एक तय सीमा करते हैं अधिकारियों के साथ में चर्चा के बाद में और उस पर वो पूरा हो वो उनकी प्राथमिकता होती है। बिल्कुल हिमांशु, और आपने बिल्कुल सही बात कही कि शांति धारीवाल के साफ तौर पर जो प्रायोरिटी में चीज़ें रहती हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही रहती हैं कि जो काम चल रहा है धरातल पर वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने इस बार अधिकारियों को फटकार लगाई है कि काम में लापरवाही नहीं बरती जाएगी, इससे हम साफ तौर पर यह समझ सकते हैं हिमांशु कि आने वाले वक्त में जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे वो भी सचेत रह जाएंगे। बिल्कुल मनीष बाजी, कि जब स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, अगर आगे इस तरह की लापरवाही रही तो डेफिनेटली उनको जो पनिशमेंट है इसका मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस तरह की जब खुद किसी विभाग का मुखिया यानी खुद डेवलपमेंट जो यूडीएच विभाग है उसके मुखिया है शांति धारीवाल, और जब वो खुद जाकर के किसी प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते हैं, बारीकी से उसका जायजा लेते हैं, एक तय समय सीमा उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रखते हैं कि समय सीमा तक वो पूरा होगा, अगर नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होते हैं और अगर जिम्मेदार हैं तो फिर उन्हें सजा भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं विभाग और तमाम अधिकारी इसको लेकर के अलर्ट रहते हैं। शुक्रिया, जो तय किए गए हैं वो सही समय। शुक्रिया तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।